हेलो एंड वेलकम गाइस। बहुत देर बाद आज वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, जो कि नाज़रीन आप देख सकते हैं। मेरा ना ज़रा मोबाइल ख़राब हो गया था, और वैसे भी दो तीन फैंस की डिमांड थी कि जी भाई आप ना अपना कैमरा चेंज करो, आपके कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। तो इसलिए आज जी हमने मोबाइल चेंज कर लिया। एक हफ़्ता हो गया मोबाइल को आए हुए, तो अब वीडियो बन रही है जी। आज हम आए हैं जी रावी देखने। इंडिया वालों ने पानी शानी काफ़ी छोड़ा हुआ है, और चड्डी वड्डी गीली की हुई है पाकिस्तानियों की। उनकी सोच और शौचालय से ज़्यादा ओवर हो गया होगा पानी, तो इसलिए उन्होंने हमारे पास जी पानी छोड़ दिया है। अब देखो जी क्या बनता है। थोड़ी देर थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि दरियाए रावी की क्या सूरत हाल है। अभी तो है जी, ये हमारे पास एक रावी व्यू वाला ग्राउंड भी है, इसमें हम टेबल खेलते हैं जी हर डेली। और वैसे तो दो तीन संडे हो गए हम हार की जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह इस संडे पता चलेगा। ये जी आप ग्राउंड देख सकते हैं, ये है जी हमारा ग्राउंड, वो सामने पिच है जी। यहाँ से बड़ा मज़ा आता है व्यू के साथ खेलते हुए। ये है जी हम रावी व्यू वाले ग्राउंड से अब गुजर के जा रहे हैं जी। थोड़ा सा आगे रह गया दरिया, तो ये हमारी पिच है। यहाँ पे हम हर संडे आके घसवा के जाते हैं जी गुरिल्ला 11 की एक टीम से। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, जो उनका हम थोड़ा सा मिनतला करते रहते हैं, वो खेलने आते नहीं हैं जी। हम छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं खेलने, और वो फिर हम छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे उनको टफ टाइम देते हैं, लेकिन कभी कभी जीत जाते, कभी कभी हार जाते हैं, और कभी कभी जीतते जीतते रह जाते हैं। इसलिए जी इस संडे देखो क्या बनता है क्या नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो। नाजरीन यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू वगैरह नज़र आता है, जो कि नाजरीन आप देख, आपको मैं दिखाता हूँ। ये फैमिलीज भी विजिट करने आई हुई हैं जी, वो आप देख सकते हैं। और ये जनाब एक आशिक साहब लगे हुए हैं जी कॉल पे, और ये पब्लिक बैठी हुई विजिट कर रही है जी, आप देख सकते हैं। मॉल शॉल तो काफ़ी वीआईपी बनाया हुआ है भाई, बाकी आप देखो ये माहौल जो है ना, अजाब भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए। नीचे जाके देखते हैं जी। ये जी अब मैं नीचे किनारे की तरफ जा रहा हूँ, जगह ऊंची नीची है, तो इसलिए ज़रा एहतियात से चलना पड़ रहा है। तो अभी थोड़ा सा नीचे पहुँच के फिर आपको पानी का जो है ना पूरा कंप्लीट व्यू दिखाते हैं जी, क्या हिसाब है, क्या चक्कर वक्कर है। वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ। ये है जी हमारी रावी, आप देख सकते हैं जी। पानी तो इतना ज़्यादा कोई नहीं, वैसे बस थोड़ा बहुत आया हुआ है काफ़ी। आजकल एक न्यूज़ चल रही है जी, 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा हुआ है इंडिया वालों ने। कोई 2 लाख क्यूसेक वाला कोई सीन नज़र नहीं आ रहा भाई। कल काफ़ी ज़्यादा पानी था सुना है मैंने, तो वो बारिशों का पानी था। अभी वैसे तो कोई ज़्यादा पानी वानी नहीं है इतना। हाँ जी ये देख सकते हैं जी आप सूरत हाल। हाँ जी ये देखें जी, एक एक ज़माना था जब ये जो है ना इसके लेवल लेवल पे पानी चलता होता था, तब हम लोग स्विमिंग करने आते रहते हैं, आते रहे हैं इसमें। हाँ जी तो इतना कोई ख़ास डरावना व्यू श्यू तो नहीं है जी भाई, दुनिया ने तो शोर डाला हुआ है जी, पानी आ गया, पानी आ गया, पाकिस्तान में सैलाब आने वाला है। हाँ जी लाहौर को ख़तरा है जी, दरियाए चनाब में पानी छोड़ा हुआ है, वो तो मानने वाली बात है, लेकिन रावी में इतना ज़्यादा पानी तो कोई नहीं है भाई। ये तो पानी निकल के हमारे गांव तक नहीं जाएगा भाई। मैं तो आया था जी व्लॉग बनाने के जी, थोड़े व्यूज़ व्यूज़ लेंगे जी। पानी शानी आया हुआ है तो दुनिया को बताते हैं जी हमें ख़तरा है, लाहौर को ख़तरा है, और रायवंड शायवंड को ख़तरा है, लेकिन नहीं भाई इतना ज़्यादा पानी तो नहीं है। हाँ वैसे एक बात है, इंडिया वालों ने ख़तरे की घंटी ज़रूर बजाई है, वो लोग बिला वजह ही बगैर दावत के ही पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजाते रहते हैं जी। आप लोग हमारे सब्सक्राइब करके नहीं घंटी बजा रहे जी, क्या घंटा फ़र्क पड़ना है हमें। सर वैसे जो है ना कम पानी ने इधर ज़्यादा कटाव किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं जी। ये वो सामने बुक्कनवाल गांव है, छोटा बुक्कनवाल, तो वो तकरीबन तकरीबन आधे से ज़्यादा गिर चुका है, दो तीन घारी बाकी रह गए हैं। और ये है जी रावी, वो सामने किनारा नज़र आ रहा होगा आपको। एक वक्त था जब दरिया वहाँ पे बहता होता था, लेकिन अब ये आहिस्ता 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 इधर आ गया।
हाँ जी ये देख सकते हैं जी आप। ये जना जब मैं घर से निकला ना तो एक बंदे ने मुझसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे। मैंने कहा भाई रावी रिवर पे ना पानी आया हुआ है तो वीडियो शूट करने जा रहे हैं। वो भाई मेरे साथ ज्वाइन हो गए, कहते जी आ जाओ जी मुझे भी काम है ज़रा। तो रास्ते में आते आते मैंने भाई से स्टोरी पूछी तो कह रहे जी 1 साल हुआ है शादी को, तो घर वालों ने तो कुछ नहीं कहा, बीवी ने बड़ा तंग किया हुआ है जी। उनकी ज़रा सूरत हाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। की हाल है अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। तुम सुनाओ। भाई, की सोच रहे हो? कुछ भी नहीं यार, सोचना कि काम कार है कोई नहीं, वेले रह रह के थक गया कार। ते भाई इत्थे बैठ के सोच रहे हो तुसी? कोई भी नहीं है, सोच रहे हैं कि कार दे खर्चे कि भी पूरे करिए ते कितों कमा के ले, ये काम ही कोई नहीं लगता। नहीं, इत्थे बैठ के तुसी सोच की रहे हो, इत्थे करन की आए हो? हमें बस टाइम ही पास कर रहे हैं। घर दिल नहीं लगदा? नवी नवी शादी हुई भाई। की लगना हूँ घर बंदे दे नाल बनी चे रही है, साल हो गया घर बैठे हैं। मेला भाई किदा कसूर है तुझे? नवाज ये दे नवाज शरीफ दे च शरीफ ने की किया थोड़ा? हाँ जी ये भाई जरा सोच रहे हैं कि थोड़ा इसमें गहरी जगह देख के जंप वंप करके स्विमिंग करके नहा के वापस घर जाके आराम से सोएं। दूसरा कोई इरादा नहीं है भाई। हेलो, दूसरा कोई इरादा नहीं है, तुसी चस्के ना ले जाओ जी। तो हमारे मजीद इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और वीडियोस देखने के लिए जी भाई थोड़ी मेहरबानी, सब्सक्राइब कर दियो यार है। तो नाले कमेंट से दसो अगला व्लॉग किस चीज़ से बनाया जाए, कोई टॉपिक शॉपिक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जी 1-2 दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जी अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक सब्सक्राइब एंड व्यू अस।